खरगोन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निमाड़ के प्रसिद्ध संत बाबा पूर्णानंद उर्फ लूले बाबा की समाधि स्थल पर आज आस्था और श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा। लंबी लंबी कतारों में लगकर श्रद्धालुओं ने आस्था और श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन किए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बेड़ियाओं स्थित समाधि स्थल पर एक दिवसीय मेले का आयोजन होता है। प्रदेश की नहीं सीमावर्ती महाराष्ट्र और गुजरात से भी आज के दिन भर में करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुँचेंगे। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अटूट श्रद्धा के चलते आज देर रात तक लोग दर्शन करने का सिलसिला चलेगा। गुरु पूर्णिमा पर भक्तों द्वारा बाबा पूर्णानंद सेवा समिति के सहयोग से विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। मां नर्मदा के उपासक पूर्णानंद बाबा के प्रति लोगों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जमकर भक्ति भाव देखी जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि बाबा के दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी होती है। लूले बाबा ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए हैं। गुरु पूर्णिमा पर पूर्णानंद बाबा की महिमा को लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक दिलीप करपे जी की पुस्तक में बाबा की महिमा सहित संपूर्ण जानकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। गुरु पूर्णिमा पर्व है बाबा पूर्णानंद बाबा की समाधि स्थल। बाबा श्री 1008 पूर्णानंद जी बाबा की ये पावन तपोस्थली है। संपूर्ण निमाड़ की यहाँ पर अगाध आस्था है और आज जो अपार जनसमूह उमड़ा है बाबा के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। सारे निमाड़ से और अन्य क्षेत्रों से भी जो लोग आए हैं, निश्चित तौर से आज नई ऊर्जा का संचार होगा उनमें। एक वर्ष तक गुरु पूर्णिमा का इंतजार करते हैं और बाबा श्री के चरणों में नतमस्तक होते हैं। भंडारे का आयोजन किया जाता है। लगभग 2 लाख श्रद्धालु आज भंडारे में आएंगे और आसपास के 25 गांव के सेवादार आज इस भंडारे में सेवा दे रहे हैं। निश्चित तौर से यह सेवा करने के बाद में सारे लोगों में ऊर्जा का नवीन संचार होता है। लगभग 23 वर्षों से यहाँ पर भंडारा हो रहा है, केवल कोरोना काल में 2 वर्ष भंडारा नहीं हुआ। संतोष जायसवाल। अपार उत्साह है और पूरे निमाड़ जगत से भक्त लोग बाबा जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लगभग 2 लाख से ऊपर लोग दर्शन करेंगे। कितना उत्साह रहता गुरु पूर्णिमा पर्व पर बाबा के यहाँ पर समाधि स्थल पर? कितना उत्साह रहता बाबा की समाधि स्थल पर यहाँ पर? प्रतिवर्ष उतना ही उत्साह रहता है, इस बार और बढ़ के है। प्रसादी रात को 10 बजे तक बटेगी। गुरु पूर्णिमा का आज महात्म्य, गुरु पूजन के लिए लोग आते हैं। बाबा जी को जो है कि सब लोगों ने अपना गुरु बना रखा है, पूरे निमाड़ के लोगों ने, और बिरले संत रहे निमाड़ के, इसलिए बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा है। और श्रद्धा के लिए गुरु पूर्णिमा पर ये एक ही उत्सव होता है इंद्र टेकड़ी के ऊपर, गुरु पूर्णिमा महोत्सव। इसलिए यहाँ पर लोग प्रयास करते हैं कि पूरा परिवार नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर आता है। कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते? पूरे निमाड़ से। आप पूर्व निमाड़ में आप कौन से गाँव का नाम आपको बताया जाए? अजय भट्ट। जो आयोजन किया गया है, पूर्णानंद जी नर्मदा के भक्त थे और ये क्षेत्र नर्मदा के किनारे बसा हुआ है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में नर्मदा के प्रति अगाध श्रद्धा है। क्योंकि बाबा में नर्मदा का प्रवाह था तो वो प्रवाह लोगों को यहाँ पर खींच करके लाता है और निमाड़ यानी आसपास के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक फोल्डर का निर्माण भी इस वर्ष किया गया है और आगामी 3 महीने में श्री पूर्णानंद चरित्रम के नाम से एक ग्रंथ का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि लोगों को बाबा के अलौकिक शक्तियों के बारे में और अनुभूतियों के बारे में जानकारी हो। नर्मदे हर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।